हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एमकॉम करना चाहते हो एसओएल से तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एडमिशन प्रोसेस, इम्पोर्टेंट डेट्स, फी स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। आपने अगर किया हुआ है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, या बैचलर डिग्री है कॉमर्स में, या बीएमएस है, बीबीए है, बीबीएस है, या अलग अलग डिग्रीज जो आपके सामने हैं, ये अगर आपने किया हुआ है, एग्रीगेट 50% आपके मार्क्स हैं, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 45% मार्क, तो आप एमकॉम के लिए एलिजिबल हो। कैटेगरी 1A और 2A का क्या मतलब है, फॉर्म भरते टाइम ये आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैटेगरी 2A का मतलब ये होता है आपने ये सारे कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करे हैं, चाहे वो एसओएल से हो, एनसीएफ या रेगुलर से। और कैटेगरी 1A का मतलब है आपने ये सारे कोर्स किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करे हों अपार्ट फ्रॉम DU। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमकॉम प्रोग्राम का। फीस की जहाँ तक बात है दोस्तों, एमकॉम प्रोग्राम की जो फीस ली जाएगी आप लोगों से, वो 9,370 रुपये ली जाएगी एक साल की फ़ीस एडमिशन के बाद, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो। और इस फीस में सेमेस्टर 1 और 2 दोनों की एग्जामिनेशन फ़ीस इंक्लूड है। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनसे सिर्फ 1,863 रुपये एक साल के लिए जाएंगे। दोस्तों जो ऑर्फन कैटेगरी है, कुछ और भी कैटेगरीज हैं एसओएल में, उनमें भी कुछ फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है। उस जानकारी के लिए आप इसी प्रॉस्पेक्टस को रीड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं एमकॉम में सिलेक्शन किस तरीके से होगा। सिलेक्शन के लिए देखिए दो तरीके बताए जा रहे हैं। एक तरीका यह है CUET के स्कोर के बेसिस पर, दूसरा तरीका यह है ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। दोनों तरीके से एडमिशन होंगे एसओएल में, और दोनों तरीकों से अलग अलग लिस्ट आएगी। यानी कि CUET के बेस पर जिसने अप्लाई करा है उसकी लिस्ट अलग, ग्रेजुएशन के बेस पर जिसने अप्लाई करा है उसकी लिस्ट अलग। दोनों के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म भरना कैसे है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखिए ग्रेजुएशन के बेस पर भी अप्लाई करा जा सकता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज़न में मत रखिएगा। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि लास्ट ईयर CUET के बेस पर अप्लाई नहीं था, सिर्फ ग्रेजुएशन ही था, लेकिन इस साल CUET को भी ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई सीट्स लिमिटेड हैं एमकॉम में और कंपटीशन बढ़ेगा, इस बात से कोई झुठला नहीं सकता। जो कट ऑफ पिछले साल 80-85% से स्टार्ट हुई थी, वो शायद इस बार भी उतने से ही स्टार्ट हो, लेकिन डाउन वो बहुत कम जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और लिस्ट की अगेन मैं बात कर लेता हूँ, तीन तरह की लिस्ट बनेंगी दोस्तों जब मेरिट लिस्ट आएगी। एक लिस्ट वो होगी जो CUET के स्कोर के बेसिस पर आएगी, एक लिस्ट वो होगी जो 2A वाले बच्चों की होगी, यानी कि उन बच्चों की जिन्होंने ग्रेजुएशन DU से करा है, और एक लिस्ट उनकी आएगी मेरिट बेस पर, वो उन बच्चों की होगी जिन्होंने ग्रेजुएशन DU के अलावा किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से करा है, ठीक है। ये तीन तरह की लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी जब एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का एक्चुअल में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद। दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जहाँ तक बात है, 3 जून से इसके फॉर्म लाइव हो गए हैं, और अभी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की नहीं आई है जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब लास्ट डेट नोटिफाई होगी तो आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, जो बच्चे मई जून 2024 में जिसने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म उनको भरना कैसे होगा, प्लीज़ उसके लिए आप वीडियो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे फॉर्म भरते समय। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, ये तो क्लियर है। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ये भी क्लियर है। और इसके अलावा आपको मार्कशीट चाहिए होगी, और उसके साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए होगा। अब यहाँ पर पेज फंसेगा काफ़ी बच्चों का, मैं समझा देता हूँ। जो बच्चा तो देखो, जो बच्चा पास है, ग्रेजुएट है, पिछले साल हुआ था, कैसे भी वो ग्रेजुएट है, तो वो मार्कशीट प्लस प्रोविजनल या डिग्री, इन दोनों में से कोई एक, इनका एक PDF बनाकर अपलोड करेगा। जो बच्चा फाइनल ईयर में है तो उसके बाद सेमेस्टर 5 तक की जो मार्कशीट होगी
तो वो बच्चा सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट अपनी अपलोड करेगा फॉर्म के अंदर। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाउट होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है। अगेन अगर आप फाइनल ईयर में हो तो उस टाइम पर तो एटलीस्ट नहीं मांगा जाएगा, या फिर अगर मांगा जाता है तो आप हैंड रिटन एप्लीकेशन लगा सकते हो कि अभी हम एज ए फाइनल ईयर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पर हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसमें एक पेज और है, जो बच्चे EWS और OBC से बिलोंग करते हैं उनका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप फीस कंसेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट, BPL के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए राशन कार्ड वगैरह वो सब चीज़ें चाहिए होंगी। डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसके लिए डिसेबल कैटेगरीज का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को फॉर्म भरते समय चाहिए होंगे, ये बात क्लियर। इसके अलावा बात ये आती है कि सर प्रोसेस बता दीजिए, एडमिशन का प्रोसेस एक्चुअल में चलता कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत केयरफुली सुनिएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है वेबसाइट पर जाकर, जिसकी फ़ीस 250 रुपये की है, ठीक है, इसकी लाजर फिलहाल अनाउंस नहीं हुई है। दूसरी चीज़ क्या होगी, करेक्शन विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपने मार्क्स को अपडेट करोगे। जो बच्चे ऐसा फाइनल ईयर अप्लाई करके आए होंगे वो सेकेंड स्टेप में करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी अपने मार्क्स को अपडेट करेंगे, और डॉक्यूमेंट को अगर अपडेट करने का मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे, यानी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट वगैरह लगाएंगे। ये हुई बात। फिर तीसरे स्टेप में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, CUET के स्कोर के बेस पर या ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसमें जिन जिन बच्चों का नाम होगा वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करेगा और वहाँ से अप्लाई कर देगा, हाँ जी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अप्लाई जैसे ही वो कर देगा जो भी डॉक्यूमेंट उसने अपलोड किए हुए होंगे वो वेरीफाई करे जाएंगे, और देन पोर्टल में ही आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दे देंगे वो लोग। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस टाइम पर कोई मिस्टेक हुई या कोई डॉक्यूमेंट उनको ब्लर लगा तो वो आपको नोटिफाई कर सकते हैं ईमेल वगैरह के थ्रू, तो इसमें अवेयर रहिएगा आप लोग। आप वो डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद आपके डैशबोर्ड में लिंक आ जाएगा, देन आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुल हो गया। इसी तरीके से फिर मेरिट लिस्ट आते रहेंगी दूसरी तीसरी, और सारा प्रोसेस आपको फॉलो करते रहना है। ये आपका एडमिशन प्रोसेस होगा एमकॉम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 2 साल का प्रोग्राम है आप लोगों का, और मैक्सिमम 4 साल मिलेंगे। अगर 2 साल में प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाया, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या एब्सेंट हो गए, तो मैक्सिमम 4 साल आपको कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे कहने की बात है भाई, सिलेबस और स्टडी मटेरियल भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में। और क्लासेस वगैरह की जहाँ तक बात है वो दिल्ली के अंदर ही होंगी, एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ सभी कुछ दिल्ली के अंदर ही होगा। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, बुक बैंक फैसिलिटीज़ वो आप SOL से अवेल कर सकते हो। इसके अलावा SOL में इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं दोस्तों, इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होते हैं कम्प्लीटली, वो एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है एडमिशन लेने के बाद आपके इवेल्यूशन सिस्टम का, जो कि कम्प्लीटली ऑनलाइन और MCQ बेस में ही होते हैं। फीस कंसेशन का फॉर्म निकलता है जब आप एडमिशन ले लोगे, उसके बाद फीस कंसेशन का फॉर्म निकलेगा, ठीक है, जिसमें कुछ कैटेगरीज के लिए फीस में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसकी इनकम 1 से 4 लाख या 4 लाख से 8 लाख के बीच है, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो एडमिशन लेने के कुछ टाइम के बाद निकलता है। एडमिशन के टाइम जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उस टाइम तो पूरी ही फीस आपको पे करनी होती है। ये एमकॉम कोर्स का स्ट्रक्चर इन लोगों ने बताया हुआ है, Semester 1 में ये सब्जेक्ट्स होंगे, Semester 2 में ये सब्जेक्ट्स होंगे, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का स्ट्रक्चर ही बताया है। बाकी पूरा डिटेल के लिए आप DU की वेबसाइट से जो सिलेबस वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो पासिंग परसेंटेज है एमकॉम के अंदर वो 40% का है। मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा एमकॉम में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन का मीडियम भी इंग्लिश ही बता रहे हैं। और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% का है, एग्रीगेट भी और पर सेमेस्टर में भी आपको 40% लाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सेमेस्टर टू सेमेस्टर प्रमोशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द पार्ट टू पार्ट प्रमोशन क्राइटेरिया विद इन द सेम पार्ट। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू प्रमोट फ्रॉम सेमेस्टर टू नेक्स्ट सेमेस्टर प्रोवाइडेड ही शी हैज़ पास एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द करंट सेमेस्टर। कहने का मतलब यह है कि एक सेमेस्टर में अगर 6 सब्जेक्ट हो तो 3 सब्जेक्ट कम से कम क्लियर करो, तभी आप अगले सेमेस्टर में पहुंच पाओगे। और पार्ट टू पार्ट यानी कि फर्स्ट से सेकंड ईयर में भी प्रमोशन का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप लोग रीड आउट कर सकते हो। 50% सब्जेक्ट क्लियर वगैरह करने होंगे तो ही आप अगले उसमें प्रमोट हो पाओगे, ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो फिर फर्स्ट ईयर आपको फिर से करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा कुछ पासिंग क्राइटेरिया जो एमकॉम का मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कैसे,
उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।